मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग यहाँ पर इनकम टैक्स का एक नया लेसन स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर इनकम टैक्स का इंट्रोडक्शन परिचय हम पूरा कर चुके हैं, ठीक है। आज हम लोग इनकम टैक्स का सेकंड चैप्टर रेजिडेंस एंड टैक्स लायबिलिटी यानी कि निवास स्थिति और कर दायित्व का निर्धारण, इसे हम स्टार्ट करेंगे। देखिए बच्चों, रेजिडेंशियल स्टेटस यानी कि निवास स्थान की स्थिति इम्पोर्टेंट क्यों है, इसी के बेसिस पर आपके लिए डिसाइड किया जाता है कि आपको किस इनकम पर टैक्स पे करना है और किस इनकम पर टैक्स नहीं पे करना है। ऐसा नहीं है कि आपको जो भी इनकम हो रही है उसके बेसिस पर आपको सारी ही इनकम्स पर टैक्स पे करना है। आप कितने दिन इंडिया में, हम भारत देश की बात करते हैं, तो आप कितने दिन इंडिया में रहते हैं उसके आधार पर हमें डिसाइड करेंगे कि आपका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है और उसी के अकॉर्डिंग आपकी इनकम, टैक्सेबल इनकम का डिटर्मिनेशन होगा, ठीक है। तो देखिए, निवास स्थिति इनकम टैक्स एक्ट की सेक्शन 6 के अकॉर्डिंग यानी कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 6, सेक्शन 6 क्या कहती है कि किसी भी पर्सन की निवास स्थिति तीन तरह की हो सकती है, ठीक है। इट मे बी कैटेगराइज्ड इन 3 सिचुएशंस। स्टेटस आर पॉसिबल, कौन कौन से तीन स्टेटस पॉसिबल हैं किसी भी इंडिविजुअल के, व्यक्ति के, आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअल, ओके। 3 स्टेटस आर पॉसिबल ऑफ एन इंडिविजुअल। इंडिविजुअल क्या है, हम ये पहले ही पढ़ चुके हैं। एक कैटेगरी बच्चों इसमें हो सकती है रेजिडेंट, जिसे हिंदी में बोला जाता है निवासी, ओके। रेजिडेंट मतलब निवासी, जिसे मोस्ट ऑफ द टाइम्स लगभग सारी इनकम पर टैक्स पे करना होता है, सबसे ज्यादा लायबिलिटी इसी की होती है। दूसरी कैटेगरी आती है नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ऑर्डिनरी रेजिडेंट यानी असाधारण निवासी, और तीसरी कैटेगरी होती है जिसे हम बोलेंगे नॉन रेजिडेंट को हिंदी में बोला जाता है अनिवासी, जिसका दायित्व करों को लेकर सबसे कम होता है। आप लोग सुनते हैं कि इस हीरोइन ने एक एनआरआई से शादी कर ली, लाइक दैट। तो एनआरआई कौन होते हैं? दीज आर नॉन रेजिडेंट्स, जो इंडिया के रेजिडेंट, इंडिया के निवासी नहीं होते हैं, फॉरेन में सेटल्ड होते हैं और कभी कभी इंडिया आ जाते हैं, दोज आर एनआरआईज, ओके, नॉन रेजिडेंट इंडियंस। तो ये तीन कैटेगरीज होती है बच्चों, जिसमें सबसे पहला निवासी या रेजिडेंट होता है, जिसकी टैक्स लायबिलिटी सबसे ज़्यादा आती है, जो लगभग प्रॉपर तरीके से इंडिया में रहता है। हम आगे इसमें तीन कंडीशंस पढ़ेंगे। तो रेजिडेंट होता है जो तीनों कंडीशंस को फुलफिल करता है, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, असाधारण निवासी, जो कि भारत में रहने की बेसिक कंडीशन को, आधारभूत शर्त को पूरा करता है और बाकी शर्तों को वो पूरा करे या ना करे। और नॉन रेजिडेंट होता है अनिवासी, जो कि भारत में रहने की बेसिक कंडीशन को ही पूरा नहीं करता है, ठीक है। इसमें एक खास बात क्या है कि ऐसा नहीं है कि आप अगर एक बार रेजिडेंट हो गए तो आप हमेशा के लिए रेजिडेंट हो गए, या आप अगर एक बार नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो गए, असाधारण निवासी, तो अब ये स्टेटस हमेशा के लिए हो गया, नॉट लाइक दैट। हर साल, हर प्रीवियस ईयर में आपके रेजिडेंशियल स्टेटस को डिटरमाइन किया जाएगा। अगर आप भारत के बाहर बहुत ज़्यादा आते जाते हैं तो हर साल आपका रेजिडेंशियल स्टेटस दोबारा से डिसाइड होगा और फिर उसके बाद आपके कर दायित्व का निर्धारण होगा, है ना। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्या इम्पॉर्टेंट है? रेजिडेंशियल स्टेटस, आप इसे इम्पॉर्टेंट मार्क करके लिखेंगे, बहुत इम्पॉर्टेंट है। रेजिडेंशियल स्टेटस मस्ट बी डिटरमाइंड is to be determined in every previous year. हर previous year में से दोबारा से decide किया जाएगा। Residential status is to be determined in every previous year as it can be changed. तो रेजिडेंशियल स्टेटस यानी निवास स्थिति का निर्धारण हर वर्ष किया जाएगा, क्योंकि हर गत वर्ष में ये स्थिति बदल सकती है, ठीक है।
अब हम देखते हैं ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिसके बेसिस पर हमें डिसाइड करेंगे कि आपका निवास स्थिति या आपका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है। ठीक है, सो लेट्स सी। रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल, यानी सबसे पहले हम इंडिविजुअल की, एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं कि जो व्यक्ति है। देखिए, हमने पर्सन की डेफिनेशन पढ़ी थी, पर्सन में हमने सबसे पहली कैटेगरी पढ़ी थी इंडिविजुअल, व्यक्ति, जो कि कोई पर्सन हो सकता है, राम, रहीम, मोहन, कोई भी हो सकता है। क्लियर, तो उसकी हम बात कर रहे हैं। इसके लिए तीन कंडीशन है बच्चों रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करने के लिए। फर्स्ट कंडीशन को हम बेसिक कंडीशन बोलते हैं एंड अदर टू आर एडिशनल कंडीशन। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात कर रही हूँ फर्स्ट, दैट इज बेसिक कंडीशन, यानी कि आधारभूत शर्त, इसको हम बोलते हैं आधारभूत शर्त। ये क्या है आधारभूत शर्त? कोई भी व्यक्ति गत वर्ष में 182 डेज या ज्यादा भारत में रहा हो, अ पर्सन मस्ट रिजाइड इन प्रीवियस ईयर फॉर 182 डेज और मोर। यानी कि अ पर्सन लिव इन इंडिया for 182 days or more in previous year. Mind it, या ध्यान दीजिए previous year की मैं बात कर रही हूँ, गत वर्ष की। ठीक है, गत वर्ष जिसकी इनकम पर हमें टैक्स लगाना है ना। तो अगर गत वर्ष में वो 182 days या ज्यादा भारत में रहा है तो हम कहते हैं कि उसने अपनी बेसिक कंडीशन को पूरा कर दिया है। लेकिन कि कुछ conditions को छोड़कर एक कंडीशन और दी जाती है, यानी कि कुछ पर्टिकुलर सिचुएशंस को छोड़कर इस 182 डेज के अलावा एक और सिचुएशन दी जाती है जिसे अगर आप फुलफिल कर देते हैं तो भी ये मान लेते हैं कि भाई आपने इस आधारभूत शर्त को पूरा कर दिया है। वो क्या है कि वो गत वर्ष में 60 डेज और मोर, 60 दिन या उससे ज्यादा भारत में रहा हो। ठीक है, गत वर्ष में 60 दिन या उससे ज्यादा भारत में रहा हो और गत वर्ष से तुरंत पूर्व के 4 वर्षों में 365 दिन या अधिक भारत में रहा हो। क्या मतलब है? ठीक है, इट मीन्स ही लिव्स इन इंडिया फॉर 60 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर में तो वो कम से कम 60 डेज भारत में रहा हो, है ना। लिव्स इन इंडिया फॉर 60 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर एंड live in India for 365 days or more in 4 years preceding previous year। और हमारा जो प्रीवियस ईयर है उससे जस्ट पहले के 4 सालों में कम से कम 365 दिन भारत में रहा हो। अब इसमें आपके दिमाग में एक बात ये आती है कि भाई हमने ये बात कही कि एक साल में पहली कंडीशन में मैंने लिया 182 डेज भारत में रहा हो, तो आप कह सकते हैं कि हो सकता है मैम वो 2 महीने के लिए आया, फिर उसके बाद 6 महीने के लिए बाहर चला गया कोई भी पर्सन, फिर उसके बाद 2 महीने के लिए आ गया, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, क्या कंसिडर करेंगे? तो ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि एक पर्सन एट ए टाइम एट ए स्ट्रेच यानी एक साथ इतने दिन भारत में रहे। एक पूरे फाइनेंशियल ईयर में, पूरे प्रीवियस ईयर में जो कि हमारा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है, उसमें वो पर्सन जब भी भारत में आएगा
इसमें हम उसके आने और जाने के दिन को भी इंक्लूड करेंगे, है ना। इसको लेकर थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है, बट यहाँ हम अपने बीकॉम लेवल पे उसको भी इसमें इंक्लूड करेंगे। तो आने और जाने का दिन इंक्लूड करके आप साल में जितने भी दिन रहे हों अलग अलग ड्यूरेशन में, हम उन सबका टोटल लगाएंगे, और वो जो टोटल है दैट वुड बी इक्वल टू 182 डेज और मोर, वो 182 डेज या उससे ज़्यादा होना चाहिए। क्लियर। तो गत वर्ष हमारा जो प्रीवियस ईयर है इसमें वो 182 डेज या ज़्यादा भारत में रहा हो, और सेकेंड कंडीशन क्या है, अगर वो ये कंडीशन फुलफिल नहीं कर पाता है तो फिर हम उसे एक ऑप्शन और देते हैं। और सेकेंड ऑप्शन इज कि गत वर्ष में वो 60 दिन या उससे ज़्यादा भारत में रहा हो, ठीक है, हमारा जो प्रीवियस ईयर है, और उसे जस्ट पहले के 4 सालों में उसमें वो कितना रहा हो, 365 दिन या अधिक भारत में रहा हो, 365 डेज और मोर, ठीक है। ये हमारी बेसिक कंडीशन है। देखिए मैं आपको इसे एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके समझाती हूँ। जैसे सपोज कीजिए, लेट अस हैव एग्जाम्पल, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज कीजिए मिस्टर एक्स हैं, ठीक है, वो हर प्रीवियस ईयर में, ईच प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर मीन्स हर साल, ईच ईयर, हर साल वो इंडिया आते हैं और 100 डेज इंडिया में रिजाइड करते हैं, है ना। इन ईच प्रीवियस ईयर ही कम्स फॉर 100 डेज, ठीक है, यानी कि हर साल 100 दिन के लिए वो भारत में आते हैं। तो अब अगर मैं असेसमेंट ईयर, तो इसके लिए क्या वो बेसिक कंडीशन फुलफिल करते हैं? तो देखिए हम इस चीज़ को कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन में आपको असेसमेंट ईयर दिया होगा, बट हमें प्रीवियस ईयर पे कॉन्सेंट्रेट करना है, ओके। तो देखिए हमारा प्रीवियस ईयर कौन सा है, आर प्रीवियस ईयर इज 2019 and 20, है ना। यानी कि इसे हम अगर और अच्छे से कहें तो 1st अप्रैल 2019 से 31st मार्च 2020, ये हमारा प्रीवियस ईयर है, क्लियर। अब इस प्रीवियस ईयर में आप देखिए, अगर मैं अपनी फर्स्ट बेसिक कंडीशन लूँ कि उसे कम से कम 182 डेज या उससे ज़्यादा इंडिया में रहना चाहिए, तो साफ मुझे कहा जा रहा है कि भाई वो तो केवल 100 डेज के लिए ही इंडिया में आया है। तो 100 डेज की का मतलब क्या हो गया कि उसने 182 डेज वाली कंडीशन फुलफिल नहीं की, तो इसका मतलब फर्स्ट बेसिक कंडीशन वो फुलफिल नहीं करता है, क्लियर, ठीक है, उसको छोड़ देते हैं, हम नहीं हो रहा है, ये वाली देखते हैं, हमारे पास ऑप्शन है अभी। इसमें देखिए कि क्या वो सबसे पहले इस प्रीवियस ईयर में 60 डेज और मोर या उससे ज़्यादा भारत में रहा है, हाँ वो 100 दिन भारत में रहा है, इसका मतलब उसने कंडीशन फुलफिल की, इसका एक पार्ट फुलफिल किया। अब इसका सेकेंड पार्ट क्या है कि प्रीसीडिंग 4 ईयर्स में, पिछले 4 सालों में वो 365 दिन या ज़्यादा भारत में रहा हो। तो देखिए लास्ट, अगर मैं 4 ईयर्स की बात करूँ बच्चों, तो लास्ट 4 ईयर्स को हम कैसे देखेंगे, देखिए मेरा करंट प्रीवियस ईयर है 1920, तो उसके जस्ट पहले के 4 साल मैं ले लूँ, तो इसका मतलब पहला वाला हो गया 1819, 1718, 1617 and 1516। इसको लिखने के लिए सबसे बेस्ट तरीका ये है, जैसे हम के बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जैसे 1920 है, 1819, हमेशा लास्ट वाले ईयर से आप इसको देखिए, मेरा प्रीवियस ईयर है 20 में खत्म हो रहा है, तो पिछला वाला 19 होगा, उसके पहले वाला 18 होगा, उसके पहले वाला 17 होगा, और उसके भी पहले वाला 16 होगा। तो इस तरह से ये 4 ईयर्स हो गए हमारे, 4 प्रीवियस ईयर्स, हर साल वो कितने दिन इंडिया में रहा, 100, 100, 100 and 100, ठीक है। और हमारी कंडीशन क्या है कि पिछले 4 सालों में वो टोटल 365 डेज रहा हो भारत में, तो देखिए टोटल वो कितना रहा इंडिया में, 400 डेज रहा है, और करंट प्रीवियस ईयर में तो वो 60 डेज से ज़्यादा रहा ही है, इट मीन्स मिस्टर एक्स बेसिक कंडीशन फुलफिल करते हैं, गॉट इट, समझ आया। फिर से देखिए, सबसे पहला पार्ट था बेसिक कंडीशन का कि या तो वो प्रीवियस ईयर में 182 डेज रहा हो, लेकिन वो तो सिर्फ 100 डेज रहा, तो इसका मतलब वहाँ से वो डिस्क्वालीफाई हो गया। सेकंड कंडीशन हम देखें कि वो प्रीवियस ईयर में 60 डेज से ज़्यादा रहा हो, 60 डेज और मोर, तो वो 100 डेज रहा है। फिर इसी की सेकंड कंडीशन क्या थी कि पिछले 4 सालों में, हमारे इस प्रीवियस ईयर के जस्ट पहले के ये 4 साल देख रहे हैं आपको, 1918, 1716, इनमें वो टोटल 365 से ज़्यादा रहा हो,
तो देखिए हर साल वो 100-100 दिन रहा, तो टोटल 400 डेज वो इंडिया में रहा। तो हम कह सकते हैं कि उसने अपनी बेसिक कंडीशन फुलफिल की। ठीक है, तो हमारी बेसिक कंडीशन हो गई या तो वो प्रीवियस ईयर में 182 डेज या ज़्यादा भारत में रहा हो, और या फिर उसका अल्टरनेट कि प्रीवियस ईयर में 60 डेज रहा हो और उसे जस्ट पहले के 4 सालों में 365 डेज भारत में रहा हो। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं इसकी दो एडिशनल कंडीशंस की। तो बच्चों देखिए, एडिशनल कंडीशंस अतिरिक्त शर्तें। पहली एडिशनल कंडीशन क्या है, मस्ट सेटिस्फाई द बेसिक कंडीशन एटलीस्ट इन 2 out of 10 ईयर्स, यानी कि पिछले 10 सालों में, हमारे प्रीवियस ईयर से पहले के 10 सालों की मैं बात कर रही हूँ, उसमें कम से कम 2 साल वो हमारी फर्स्ट बेसिक कंडीशन को फुलफिल करता हो, चाहे वो 182 डेज वाली हो चाहे वो 60 डेज वाली हो, उससे कुछ मतलब नहीं है किसी भी तरह से। लेकिन गत वर्ष से पूर्व के 10 वर्षों में वो कम से कम 2 वर्ष भारत में निवासी रहा हो। निवासी होने का मतलब है कि वो कम से कम 2 सालों तक अपनी बेसिक कंडीशन को फुलफिल करे। अगर वो ऐसा होता है, यानी कि पिछले 2 सालों में, हर साल हम अलग अलग स्टेटस डिटरमाइन करते हैं, हमने अभी बात की कि हर साल अलग अलग निवास स्थिति देखेंगे, तो अगर उसमें वो 182 डेज या ज़्यादा रहा है प्रीवियस ईयर में, या प्रीवियस ईयर में 60 डेज और उससे पहले के 4 सालों में 365 या ज़्यादा रहा है, तो हम कहेंगे कि वो हमारी एडिशनल कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, फर्स्ट एडिशनल कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। क्लियर। देन उसके बाद अनादर एडिशनल कंडीशन, अतिरिक्त शर्त दूसरी क्या है, प्रेजेंस इन इंडिया एटलीस्ट फॉर 730 डेज ड्यूरिंग द 7 ईयर्स प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर, यानी कि इस प्रीवियस ईयर के पिछले 7 सालों में कम से कम 730 डेज भारत में रहा हो। गत वर्ष से तुरंत पूर्व के 7 सालों में, है ना, 7-7 का मैचिंग देखिए आप, पिछले 7 सालों में कम से कम 730 दिन भारत में रहा हो, यानी कि 730 और मोर। तो हम क्या करेंगे, हमारा जो प्रीवियस ईयर है उसे जस्ट पहले के हम 7 ईयर्स को लिखेंगे, जैसे मैंने अभी लिखा था, उन 7 ईयर्स में कितने कितने दिन भारत में वो रहा। हो सकता है किसी साल वो केवल 25 दिन भारत में रहा हो, और किसी साल 100 दिन रहा है, और किसी साल 150 दिन रहा है। जितना भी हमें क्वेश्चन में दिया जाएगा हम उन सबका टोटल लगाएंगे, और उसका जो टोटल है वो हमारा 730 डेज या उससे ज़्यादा होना चाहिए। अगर 730 डेज भी होता है तो हम मान लेंगे कि हमने ये एडिशनल कंडीशन फुलफिल कर दी है। क्लियर। तो एक हमारी बेसिक कंडीशन है और 2 हमारी एडिशनल कंडीशंस हैं, है ना। अब इन तीनों के बेसिस पर हम डिसाइड करेंगे कि ये पर्सन रेजिडेंस है या नहीं। अगर तीनों कंडीशंस फुलफिल कर देता है कोई भी इंडिविजुअल, तो हम कहेंगे कि वो इंडिया में रेजिडेंट है, वो भारत का निवासी है। ठीक है, लेकिन अगर बेसिक कंडीशन तो फुलफिल कर देता है, वो आधारभूत शर्त पूरी कर देता है, लेकिन इन एडिशनल कंडीशंस को या तो कोई एक पूरी कर पाता है या कोई भी पूरी नहीं कर पाता है। ठीक है, एक या दोनों फुलफिल नहीं होती हैं, लेकिन बेसिक उसने पूरी कर दी, तो फिर हम उसे कहेंगे सेकंड कैटेगरी कि वो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, यानी कि असाधारण निवासी है। और अगर वो फर्स्ट बेसिक कंडीशन ही पूरी नहीं करेगा, तो फिर हम क्या बोलेंगे कि वो भारत में अनिवासी है, फिर हमें इन्हें देखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। एडिशनल तो बाद में आता है, पहले तो मेन आती है। तो देखिए, इसे हम एक चार्ट की फॉर्म में किस तरह से लिख सकते हैं, तो डिटरमिनेशन ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस। Determination of residential status, है? तो देखिए, इसको हम छोटी सी टेबल की अगर हम फॉर्म में कहें तो किस तरह से कहेंगे, निवास स्थिति का निर्धारण। ठीक है, अगर मैं बात करूं, यहाँ पर मैंने ले ली कंडीशंस, ठीक है, ये फर्स्ट और ये सेकंड और ये थर्ड, है ना। फर्स्ट हमारी बेसिक है, आधारभूत शर्त है, और बाकी की दोनों एडिशनल हैं। ठीक है, और यहाँ पर मैंने ले लिया स्टेटस। क्या स्टेटस है, या तो वो रेजिडेंट होगा, दैट इज आर, मैं इसको आर से लिख सकती हूँ, या फिर वो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा, इसे मैं एन ओ आर कह सकती हूँ, एंड द थर्ड वन इज नॉन रेजिडेंट, अनिवासी, जिसे हम कहेंगे एन आर, है ना, रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट या एन आर।
निवासी, असाधारण निवासी या अनिवासी। तो देखिए, अगर आपने बेसिक कंडीशन फुलफिल कर दी है, ठीक है, और उसके साथ दोनों एडिशनल कंडीशन भी फुलफिल कर दी है, तो फिर हम कहेंगे कि आप इंडिया के रेजिडेंट हैं। मतलब रेजिडेंट जो है वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों कंडीशंस को फुलफिल करता है। क्लियर? देन उसके बाद नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ये बेसिक कंडीशन तो फुलफिल करता है, बट एडिशनल करे या ना करे, एक पूरी करेगा। अगर दोनों पूरी कर देगा तब तो फिर ये रेजिडेंट ही हो जाएगा ना। तो मैं क्या कह सकती हूँ एडिशनल कंडीशन के लिए? वन और नन सेटिस्फाइड, यानी कि एक या कोई भी नहीं, या तो कोई एक पूरी करेगा या फिर एक भी पूरी नहीं करेगा, लेकिन उसने बेसिक कंडीशन फुलफिल की है तो उसे हम बोलेंगे नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। और थर्ड, नॉन रेजिडेंट, अगर बेसिक कंडीशन ही फुलफिल नहीं की जा रही है तो फिर हम उसे बोलेंगे ही इज अ नॉन रेजिडेंट, NRI, नॉन रेजिडेंट इंडियन, वो भारत का अनिवासी व्यक्ति है। फिर उसके बाद वो इसे पूरी करे या ना करे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से इन कंडीशंस के बेसिस पर हम डिसाइड करेंगे कि ये पर्टिकुलर पर्सन रेजिडेंट है, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। निवासी व्यक्ति आधारभूत शर्त के साथ साथ दोनों अतिरिक्त शर्तों की भी पूर्ति करेगा कंपल्सरीली, तीनों, तो वो निवासी होगा। अगर वो आधारभूत शर्त की पूर्ति तो करता है लेकिन साथ ही अतिरिक्त शर्तों में से कोई एक पूरी करता है या नहीं, एक भी नहीं करता, तो फिर उसे असाधारण निवासी, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट कहा जाएगा। और अगर वो बेसिक आधारभूत शर्त को ही पूरा नहीं करता है तो फिर उसे बोला जाएगा कि वो भारत में अनिवासी है, इज अ नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, अब बच्चों हम इसके बाद इस पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, है ना। तो इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम रेजिडेंशियल स्टेटस को डिटरमाइन करने के लिए इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही। आप इन कंडीशंस को अच्छे से मगअप कर लेंगे, लर्न करेंगे अच्छे से, आपको बिल्कुल कंडीशंस लर्न। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे इसके क्वेश्चंस करेंगे और साथ ही ये भी देखेंगे कि HUF के लिए, यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए, एक कंपनी के लिए, एक फॉर्म के लिए रेजिडेंशियल स्टेटस किस तरह से डिटरमाइन किया जाता है। ओके? और अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है, अगर हिंदी इंग्लिश को लेकर कोई प्रॉब्लम है किसी भी चीज़ की अंडरस्टैंडिंग को, तो आप बिल्कुल मुझे लिख कर भेजें, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं आप, मैं आपकी प्रॉब्लम ज़रूर रिजॉल्व कर दूँगी। ओके, थैंक यू बच्चों।